हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ अ रिवीजन वीडियो ऑफ यूनिट टेस्ट। लेट्स हैव हाईलाइट्स ऑफ द चैप्टर मनी। एज यू नो दैट इन यूनिट टेस्ट यू विल फाइंड एमसीक्यूज एंड सम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दैट वुड बी देयर टू अटेम्प्ट। सो गिव ब्रीफ आंसर, डोंट इंक्रीज द लेंथ ऑफ आंसर। सो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन ऑफ मनी फर्स्ट। बार्टर सिस्टम, मनी एंड इट्स फंक्शंस। Here the content would be barter system. We will learn about example of barter system, difficulties in barter system, development of money, money, meaning of money means, and functions of money. Now what is barter system? In ancient time, man's wants were very few. He used to be self-dependent. पुराने time में इंसान की ज़रूरतें इतनी नहीं थी, इंसान सेल्फ डिपेंडेंट था। नहीं ज़रूरत पड़ती थी किसी भी कमोडिटी को एक्सचेंज करने की, ना ही किसी के ऊपर डिपेंड होने की। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, एज टाइम पास्ड, हिज वॉन्ट्स मल्टीप्लाइड एंड देन ही स्टार्टेड एक्सचेंज ऑफ हिज गुड्स। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, उसकी ज़रूरतें बढ़ती गईं और उसने, इंसान ने जो गुड्स थी उनको एक्सचेंज करना भी स्टार्ट कर दिया, जिसको बार्टर सिस्टम का नाम दिया जाता है। क्या कहा जाता है? सच डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो डायरेक्टली गुड्स और सर्विसेज को विदाउट एनी अदर मीडियम, उसको यूज़ किए बिना जो गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है डायरेक्टली, फाइन, विदाउट द यूज़ ऑफ मनी, उसको क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम। उसकी एग्जांपल्स हैं, कोई भी जैसे मार्केट में एक चीज़ के बदले में कोई दूसरी चीज़ जो है वो एक्सचेंज की जाती है, जैसे वेजिटेबल्स के बदले में फूड ग्रेन्स हो गए, शूज़ के बदले में ऑरेंजेस हो गए, एक्सेट्रा। बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। यहाँ देखिए कुछ एग्जांपल्स दिखाई हुई हैं। शूज़ के बदले में वुड है और मिल्क के बदले में शुगर। जो बार्टर सिस्टम है, इट प्लेड अ वैल्यूएबल रोल इन मेंटेनिंग हारमोनियस रिलेशनशिप अमंग द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। सोसाइटी में अच्छी तरह ज़िंदगी जीने के लिए बार्टर सिस्टम ने बहुत अच्छा रोल निभाया, क्योंकि जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो एक दूसरे से एक्सचेंज की जा सकती थी। बट फिर भी कुछ डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा, डिफ़िकल्टीज इन द बार्टर सिस्टम, फाइन। सबसे पहली डिफ़िकल्टी थी लैक ऑफ डबल को इंसीडेंट ऑफ वॉन्ट्स, लैक ऑफ डबल को इंसीडेंट ऑफ वॉन्ट्स। क्या था? एक पर्सन जो एप्पल है जिसके पास, और सेकेंड पर्सन के पास बनाना है। फर्स्ट जो पर्सन है वो एप्पल एक्सचेंज करना चाहता है, बट उसको उसके बदले में राइस चाहिए। देखिए, बट आई वॉन्ट राइस, लेकिन दूसरे पर्सन के पास बनाना है एक्सचेंज करने के लिए विद एप्पल, ठीक है। इस तरह से डिफ़िकल्टी आती थी कि जो एक चीज़ को के बदले में दूसरा पर्सन चीज़ चाहता है, उसको हो सकता है कि वो चीज़ ना मिले। एंड सेकेंड वॉज द लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, फाइन, लैक ऑफ कॉमन या मेजर कह सकते हैं, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। ये नहीं पता चलता था कि एक चीज़ के बदले में कितनी चीज़, कितनी क्वांटिटी जो है वो एक्सचेंज की जा सकती है। जैसे एक मुर्गी अगर है, तो उस मुर्गी के बदले में कितनी टी शर्ट्स जो हैं वो एक्सचेंज की जा सकती हैं, क्योंकि कॉमन मेजर नहीं था, जिससे पता नहीं चलता था कि किस चीज़ की वैल्यू क्या है। नेक्स्ट था हमारे पास डिफ़िकल्टी इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कमोडिटीज़। कुछ चीज़ें ऐसी थी जिन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल था, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल था। नेक्स्ट इज द कैपिटल और वेल्थ कैन नॉट बी स्टोर्ड एज गुड्स लैक ड्यूरेबिलिटी। क्या था कि जो गुड्स हैं या चीज़ें थी, उन चीज़ों को ज़्यादा टाइम तक हम स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। अब मिल्क को ज़्यादा दिन स्टोर नहीं कर सकते, फाइन, और ग्रेन्स हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं, उनको भी ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते। तो डिफ़िकल्टी आती थी कि चीज़ों को ज़्यादा टाइम तक कैसे स्टोर करके रखा जा सके। इन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढते हुए फिर सलूशन जो था वो मनी मिला। मींस तब मनी की डेवलपमेंट हुई थी, डेवलपमेंट ऑफ मनी। और आज के टाइम में, टुडे वी कैन नॉट थिंक
ऑफ लाइफ विदाउट मनी, पैसे के बिना हम अपनी ज़िंदगी सोच भी नहीं सकते हैं. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मनी? एनीथिंग दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेबल एज मीन्स ऑफ एक्सचेंज और मीडियम ऑफ एक्सचेंज आप कह सकते हो. एनीथिंग दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड दैट एट द सेम टाइम एक्ट एज मेजर एट अ स्टोर वैल्यू इज़ मनी. ठीक है, वो चीज़, वो कमोडिटी जिसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल किया जा सकता है और जो सेम टाइम पे मेजर भी कर सके गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू और उनको स्टोर भी करके रख सके, उसको हम मनी का नाम देते हैं. ये एक ब्रॉड डेफिनेशन है ऑफ मनी की. नाउ मनी को जैसे 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 टाइम बीतता गया तो मनी की जो एवोल्यूशन है वो भी चेंज होती गई. मनी की फॉर्म्स जो हैं वो चेंज होती गई. पहले मेटालिक मनी, ठीक है, मेटालिक मनी थी. मेटालिक मनी में क्या था कि मेटल से बनी हुई जो मनी है वो थी. देन लीगल टेंडर मनी आया. लीगल टेंडर मनी मतलब जो गवर्नमेंट ने इशू की होती है, जैसे हमारे पास करेंसी नोट्स हैं. देन आए क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है एज मनी, जैसे चेक्स हो गए, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गए या ड्राफ्ट वगैरह हो सकते हैं. नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ मनी. मनी के जो फंक्शंस हैं उनमें से सबसे पहला फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का क्या मतलब है? सेकंड फंक्शन है मेजर ऑफ वैल्यू. पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ते हैं. मीडियम ऑफ एक्सचेंज में है, इन द मॉडर्न एक्सचेंज सिस्टम मनी एक्ट्स एज एन एज द इंटरमीडियरी इन सेल्स एंड परचेजेस. ठीक है, आज के ज़माने में मॉडर्न टाइम पे जो एक्सचेंज सिस्टम है मनी का, जिससे मनी से ही हम जो है पैसे से ही हम लोग चीज़ें जो हैं उनको ख़रीदते हैं या बेचते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर और एक विचोलगिरी कहते हैं कि एक अच्छा इंटरमीडियरी का रोल जो है वो निभाता है पैसा. द प्राइजेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी. ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है, उनके जो प्राइजेज हैं, उनको भी मनी के फॉर्म में जो है वो उनको एक्सप्रेस किया जा सकता है. देन हमारे पास सेकंड फंक्शन है मेजर ऑफ वैल्यू. मेजर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब है? ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज आर वैल्यूड इन मनी, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं कि ये एक अच्छा मेजर ऑफ वैल्यू कर सकता है. जो मनी है उसी से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. दिस वी कैन से दैट हाउ मच ऑफ वन कमोडिटी इज इक्वल टू हाउ मच ऑफ अनदर कमोडिटी, कि एक कमोडिटी के बदले में जब अगर दूसरी कमोडिटी लेनी है तो उसकी कितनी क्वांटिटी आएगी, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करी है मनी ने. मनी के कुछ सेकेंडरी फंक्शंस भी हैं, जैसे स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. इनका क्या मतलब है ये भी पढ़ते हैं. फर्स्ट है जी स्टोर ऑफ वैल्यू. स्टोर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब है? सेविंग मतलब मनी को स्टोर किया जा सकता है. कमोडिटीज़ को स्टोर नहीं किया जा सकता, गुड्स को स्टोर नहीं किया जा सकता. ठीक है, और मनी का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि इसको स्टोर किया जा सकता है. सेविंग्स आर डन इन टर्म्स ऑफ मनी विच इज़ मोर परमानेंट देन कमोडिटी. ठीक है, और जो कैपिटल फॉर्मेशन है, कैपिटल फॉर्मेशन विच इज़ असेंशियल कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ बिकम पॉसिबल विद द इन्वेंशन ऑफ मनी. कैपिटल फॉर्मेशन, पैसे का जमा होना और गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं. पैसे का ज़्यादा इकट्ठा होना, संभाल के हम रख सकते हैं, उसी चीज़ ने, उसी कैपिटल फॉर्मेशन ने हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ ले जाया है. नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू. ड्यू टू द जनरल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ मनी, परचेजिंग पावर कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम. क्या हुआ? जिस हिसाब से हम मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो इसका मतलब क्या है कि परचेजिंग पावर भी ट्रांसफ़र हो जाती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड फ्रॉम वन टाइम टू टाइम जो है वो ट्रांसफ़र होती रहती है. नेक्स्ट जो फंक्शन है दैट इज़ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का क्या मतलब है? सिंस वैल्यू ऑफ मनी इज़ मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू अदर कमोडिटीज़, मनी नाउ एक्ट्स एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. मतलब कमोडिटीज़
में क्या था कि हम गुड्स एंड गुड्स को स्टोर करके नहीं रख सकते थे, अब हमारे पास क्या है, मनी को स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट या कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हम ये कहें कि हम फ्यूचर में उसकी पेमेंट कर देंगे तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मनी, बिकॉज वी कैन ईजिली स्टोर द मनी। ओके, एंड विद दिस योर दिस टॉपिक इज़ कम्प्लीटेड। थैंक यू।